हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वो है हेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट है उसे बाय किया और फिर उसे यूज़ किया, उसके बाद मैं उसका रिव्यू लेके आई हूँ कि क्या वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में जो भी मैं ओपिनियन दूंगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो मेरे अपने हैं यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट मिलवा रही हूँ। कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि ये इसकी पैकेजिंग कैसी है। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें रिसीव होता है और जो इसकी बॉटल है वो ये ग्लास बॉटल है और क्वांटिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और मतलब जो मुझे रिसीव हुआ तो कोई मतलब कहीं से टूटा फूटा नहीं था, काफ़ी अच्छा था और सील पैक था, खुला हुआ नहीं था। तो ये देखिए, इसको ओपन करना बहुत ईजी है, यहाँ से ये ओपन हो जाता है। इसके साथ इसको पकड़ने के लिए भी दिया है कि हैंडल दिया है कि आप इजीली इसे निकाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है और मैं इसे इतना यूज़ भी कर चुकी हूँ, आप देख रहे होगे इतना खाली है। और स्मेल इसकी बहुत ही अच्छी है, मतलब जब आप यूज़ करते हो आपको बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल। तो गाइज, इसकी क्वांटिटी कितनी है? तो इसकी क्वांटिटी है 200 ग्राम्स और इसका जो पूरा नाम है जस्ट हर्ब कैस्टर अनियन। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप घर में ही स्पा करें, अपने हेयर को बाहर के केमिकल से नहीं करना चाहते, तो इस तरह के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिलाए गए हैं जो हैं इसमें, वो हमेशा से हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। जैसे आंवला है, भृंगराज है, ब्लैक अनियन सीड है, शायद इसे कलौंजी बोलते हैं, और कैस्टर है। तो ये हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। हमने हमेशा से सुना है कि अगर आपको बाल लंबे चाहिए है, शाइनिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें मिला के रखना चाहिए। लेकिन उन सारी चीज़ों में जो रॉ मटेरियल होता है उनको रात को गला के रखो, कोई पीसो, उससे अच्छा है कि हमको जब ये ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है तो हमें इस तरह का ये यूज़ कर लेना चाहिए। और गाइस, इसको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। मैं आगे वीडियो में आपको इसको अप्लाई करके बताऊँगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है और कितने टाइम तक रखना है, कितने दिन में लगाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो अपने बालों को आप पार्टीशन में कर लीजिए दो अलग अलग भागों में, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपके बालों में किसी भी तरह का ऑयल ना हो, डस्ट ना हो, आई मीन आपके बाल बिल्कुल साफ़ हों, तभी ये क्रीम अपना असर दिखाएगी। क्योंकि अगर बालों में ऑयल होगा या गंदगी होगी तो क्रीम अच्छे से आपके बालों में नहीं लग पाएगी। और आपको इसे अप्लाई कर लेना है अपने बालों में, आपकी जड़ों से लेकर आपके टिप तक पूरे बालों में इसे अप्लाई करना है। और आपके हेयर किसी भी टाइप के हों ये सभी के लिए सुटेबल है। अगर आपके बाल कर्ल हैं, नॉर्मल है, ऑयली हैं या केमिकल ट्रीटेड हैं या फिर आपने कलर्ड कराया है, आप हर तरह के बालों में इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे स्पा कर सकते हैं और उसे मैन और वुमेन दोनों ही आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये बनाया इसलिए कि हमारे बालों की ग्रोथ हो, हमारे बाल हेल्दी रहें। और जब ये बहुत अच्छे से लग जाता है हमारे पूरे बालों में तो हमको एक लेना है हॉट टॉवल। हॉट टॉवल आप कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए आपको एक बाउल में गर्म पानी करना है, उसमें आपको टॉवल डिप करना है। ध्यान रखें कि आपका हाथ ना जले, उतना गर्म होना चाहिए, फिर आप उसमें टॉवल डिप करेंगे और फिर आप अपने उस टॉवल का पानी निकाल देंगे सारा, और गर्म टॉवल को आप अपने सर में लगा लेंगे ताकि आपका पूरा जो हेयर है वो अच्छे से कवर्ड हो जाए। और आपको इसे कितनी देर तक रखना है, तो आपको इसे 20 मिनट तक रखना है। उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। अगर आप हेयर वॉश करने के लिए इसी का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों को डबल फ़ायदा देगा। तो मैं मास्क की और शैम्पू और कंडीशनर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।